छिड़े ने। हाँ जी बोलो भाई, सुनो भाई कीमती बात। हाँ आई हाँ हाँ पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा ए जी, गगन मंडल में अमृत वर्षे, गगन मंडल में अमृत वर्षे, उन मन के घर वासा ए जी। सुनो भाई, सारी दुनिया की तलाश एक ऐसी जिंदगी के लिए हो रही है जहां शांति शांति हो, सुखी सुख हो, आनंद आनंद हो, इसलिए सारे काम करते हैं। माया इकट्ठी की, किसको शांति मिली? सोच लो, माया में मिली, ओदो में मिली, बाल बच्चों वाला को मिली, सोच लो, बाहर के रस खाए, किसी को मिली शांति? शांति के लिए फिर रहे हैं? शांति का खजाना इसके अंदर है। कोई प्योरे राम रस प्यासा गर्दी नहीं है दुनिया को, किन कौमों के ठेके लिए, किन मजमों के ठेके लिए, किन देशों के ठेके लिए, किन गोहत्ते के लिए, किन कोई लिया, किन कोई लिया, अपनी आत्मा कल्याण का उसे शांति देने का किसी ने रास्ता नहीं। देख लो, फकीरों के बाद इसी तरह मजहब बनते गए, फिर फिरके बनते गए, फिर लड़ेंगे झगड़े मिट्टी के लिए लड़ के मर के। सोच लो कि पैसे इकट्ठे किए, मंदिर बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, बस किसको शांति मिली? वो शांति का खजाना इसके अंदर है। मसान जी फरमाया करते थे, पढ़ भाई, अब मसान जी के वचन है सुनो। हाँ पर कोई भागों वाला होवे इस दुनिया में ए रस खावे, सेव का खाया, जलेबी का खाया, हाँ, लड्डू का खाया, हाँ, कपड़ों का खाया, सोने का खाया, हाँ, पीने का खाया, पर जो ए बाड़ी में इस मंदिर में मालिक ने बनाया है वो सतगुर सुखी दाता है, और ओ न खाया उसका जमने को लानत है। आने का क्या मतलब है दुनिया में, पैसा गाइया जमीना चलाती मकर खरीद करना, इधर उधर करना, ये तो उनकी उनकी बाजी है। फंसे पड़े हैं, सोचो जिस चीज में बाहर भी रस लगता है, मिठाई खाई कोई और, वो कहाँ से आया? वो भी इसके अंदर से आया, इसको पता नहीं कैसे। आज हलवा बनाया ना उन्होंने, कैसे बनाया? आटा लिया, घी में भूना, चीनी पानी आटा सेक ही है। अगर तुझे से बनाया तो ठीक बना, अगर तुझे से ना बनाता या कच्चा रह जाता है, सड़ जाता। तुझे ने बनाया वो तुझे से बाहर मिट्टी में फेंक दी, वो उसके अंदर है खजाना। जब हमें कोई बात समझ में आती है ऐसे बैठ जाते हैं ना, यहां से राज शुरू होते, यहां आना था, यहां से मार्ग शुरू होता है। उन्हें होका दिया कोई पियो रे, यही मसाज कर लड्डू का लिया, जलेबी का लिया। बोलो भाई, जो रस मालिक ने रखा तुम्हारे अंदर वो ना लिया, मिट्टी में मिला दिया। अंदर भी दो किस्म का, नीचे का कहीं ना पिया है। ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा है, ये ऐसे नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया है, वो आया भी, लेकिन असली जब उत्तर लोग किसे पार जाकर मिलता है। उन्हें हुक्का दिया, आओ पियो, यही मिसाज कहते थे। आनंद का खजाना तुम्हारे अंदर है, वो आनंद लो, इसी जन्म में हो सकता है, नहीं तो धक्के खाओगे 84 में, गधे घोड़े बनते फिरोगे। क्या हाल होता है उनका, घोड़ों पे कितना टंग देख लो, ऊंटों पे कितना लद्दा लता है, बैलों का हाल देखो, दरख्तों को देखो काटते हैं, हमारी जैसी रूहें हैं। इसी जन्म में देवी देश इसके लिए तरसते हैं, मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवी नो को कठिन प्राप्त नहीं है, सकल देवा यही भात मनोज नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भाव सागर करें।
ये वक्त छुटकारे का, ऐसे झगड़ों में गुजार के चले गए। ये रस लेना था, होक्का दिया उन्होंने आकर, जैसे यहाँ कोई गंदम का बीज निकालता है, कोई गन्ने का निकालता है, कोई और निकालता है, होक्का दिया। लो भाई जिसने ये लेना है, इतना इसका झाड़ा है, जिसको गर्ज होगी वही लेगा कि कोई और? गर्ज ही नहीं दुनिया को, ये रस लेना था, बेगर्ज हुई पड़ी है, दुनिया की चीजें मांगते बाकी बस। ऐसी दुनिया भाई दीवानी, भक्ति भाव ने बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई सोचो मिनट रुपया लीजिए जी, साज का को गाहक नहीं झूठे जग पतीजे जी, क्या एक भी सुनो साध अंधों को कीजिए जी। सोच लो ये रस लेना था कर, गर्ज ही नहीं दुनिया को, दुनिया का मगर्ज है, परमार्थ में गए फिर अभी इसीलिए आते हैं आपने, आहिस्ता आहिस्ता कोई समझे तो समझे, नहीं तो बस देख लो। ये रस लेना था, ये अमृत पीना था, सबके अंदर अमृत वर्ष है, जिन जिन वर्ष अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा, यही प्रसन्न लिखा, देखे मन फीका त्याग नहीं सखी नाम महारस पियो। विषय विकारों के जंगल में फंसे पड़े हैं, जैसे कोई आदमी जंगल में फंस जाए, डाकू घर चढ़ जाए, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, सोचे निकलने करा ना मिले, उनके गुलामी का आदि बन जाता है ना, देख लो। इसी तरह हम भी विषय विकारों के जंगल में फंसे पड़े हैं, इनके गुलाम हुए हैं, कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध ने पकड़ लिया, कभी मोह ने पकड़ लिया, सोच लो, कभी अहंकार ने पकड़ लिया, कभी लोभ ने पकड़ लिया। इस जंगल से निकलो, फिर रस पियो, कैसे पियो, फिर आजाद हो। ये समय इसीलिए मिला है कि सारे ख्याल नकार समय समय रह जाए, फिर देखो क्या रस मिलता है, वो अमृत बहुत दूर है। ये स्वर भी करे महीना दो महीने दो चार घंटे बैठ के तो देखो जो चीज आपको मिली है कितना रस मिलता है, दो के देखो दो दो चार चार घंटे फिर देखो रस आता नहीं, स्वर में महीने के में ही पता लग जाएगा कीमती चीज मिली है। इसलिए फकीर आते हैं और किसी काम के लिए ना, डेरों के लिए आते हैं ना किसी और चीज के लिए आते हैं, उनका एक ही मतलब है कि रस पी लो, अब चलो अपने घर। प्राय देश में बैठे हैं, जितने सामान इकट्ठे किए मौत के वक्त साथ जाता है, क्या साथ जाएगा, ये साथ जाने वाली चीज है, ये खजाना है, ये भी भागों से मिलता है किसी को नाम, सोच लो। ऐसा संत बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, असली आनंद जाए वो सतगुरु के पास, वो चौथे लोक में रहता है सतगुरु, काल ने मन एजेंट लगाया इसके साथ, ये उसका वकील है। ज्ञानहीन जाने ने भाई जीव के संग मन काल रहाई, जीव के संग काल को वासा, ज्ञानी जन गह विश्वासा, मन का क्या ना कीजिए कोई, जीव भरमा मन जीव को भरमावे सोई, कह कबीर मन जात गवारी, मन का क्या ना कीजिए नर नारी। बोलो हमारा गुरु परमेश्वर ही मिट्टी पीटता रहा सबकी, इसके पीछे लगते फकीरों की बात ही कोई नहीं मानता, साथ रहने वालों ने नहीं माननी, सोच लो। गुमान साहब के लड़के वो उन्होंने नहीं मानना, गुरु अंगद साहब के खिलाफ रहे, गुरु अंगद साहब के लड़कों ने लाते मारी गुरु अमरदास के, बोलो पीठी चंद गुरु अंगद साहब तो भाई उनकी मुखालफत ही करता रहा, सोच लो। गुरु तेग बहादुर को मत्था टेकने में नहीं जाने दिया था दरबार में, ये हाल है हमारा, माया घेरती है, माया सबको चक्कर में डाल रखा है सबको, इसका ख्याल छोड़ो, सिमन करो, जो लिखवा के लाए पूरा लब्ध में जरूर मिलना है, मिलना है, मिलना है, कोई नहीं रोक सकता, ना ज्यादा मिलना है, जितना सिमन करोगे ये तुम्हारा फायदा है, ये नफा है, लगे रहो बस सिमन करो, होका दिया उन्होंने एक मिनट भी ना छोड़ो, है चलते फिरते उठते बैठते, सोचो खेती करते हैं ना, हर चलाते हैं और कोई काम करते हैं, उस वक्त ख्याल कभी घर में कभी कहीं कोई कमी, ठीक है वही ख्याल सुनने करो, बीबी रोटी पकाती हैं सोचती रहती हैं कभी कुछ कभी कुछ, वो उस वक्त वो ख्याल है, काम में भी हर्ज नहीं,
जितने वक्त निकल सके वो निकालो, लगे रहो बस, याद रखो, इसलिए आते हैं फकीर। हाँ तो पियो रे, हाय हाय हुक्का दिया हुक्का। हाँ हाय, हाँ जी करते हैं। चलो ही पर अच्छा मुश्किल से जी। हाँ इतो पर चल। हाँ सुनो भाई, ऐसे संत महात्मा रूहानी ताकतों के भंडार मालिक की दरगाह से लेकर आते हैं। हाँ रूहानी ताकत से भंडार लेकर आते हैं, दाते देने के लिए आते, कोई लेने वाला नहीं मिलता। हाँ हुक्का देते हैं, कितनी तकलीफ उठाई, हम टिब्बे पे बैठे, बोलो भाई किस लिए, क्या करते उनको, सोच लो छप्पर में कई बार भी भूखे खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बोल भाई इधर खाते खाते देते गए, खाते गए पेट में दर्द बना बोला बोलो भाई हाय हाय। देखो गिली गुफा में वहां कितना वाली क्या कर रखी हमने, हुक्म मानना किसी ने, कोई बताने वाला है, कोई कहने वाला है, बस मिट्टी के लड़के मर गए। हाँ हाँ जी। फिर मालिक के खजाने के चाबी वरदार खजांची है, जिनके द्वारा मालिक अपनी दौलत खुद लुटाता है। जब तक संत इंसानी चोले में रहते हैं, वे मालिक के हुक्म से सब जीवों को प्रेम प्यार और दीनता से समझाते रहते हैं कि यह मानस से मुश्किल से चुरा। कैसे देखो भाई, किसी को मिठाई देखे, किसी को कपड़े देखे, किसी को किसी देखे, बोलो है? देख लो कहीं उसे बाहर की चीज ही खतर नहीं, दल्लू को कोट वो कंबल दे दिया, उन दिनों में 90 रुपए का आया था, पुलाव की जगह रख लिया सच्चो बाहर की चीज की भी कदर नहीं, इसकी किसको कदर पड़े तो, हाँ हाँ जी। कि ये मानस दे मुश्किल से 84 भुगतने के बाद है, हाँ। परंतु नाम की भक्ति के बिना ऐसे ही बर्बाद हो रही है, है हाँ। और एक दिन यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी। इससे क्या फायदा उठाया, इससे सोच लो क्या साथ जाएगा। हाँ जी। चिरंकाल पाई दुर्लभ दे नाम भी होनी होई खे, जितने जल्दी हो सके इन संसारिक बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाओ और अंदर जाकर नाम धन प्राप्त करके जिसका खजाना संत मालिक की दरगाह से बांटने के लिए लाते हैं, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओ। जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि मालिक संतों के रूप में आकर जीवों से ये भीख मांगता है। क्या भीख मांगता है? हाँ। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। हाँ। कवि साहब क्या कहते हैं, सोचो कल सदा पार लगने का आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बोलो क्या करती उनको, हमारे फायदे के लिए कहते थे, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, भी किसने मान जाए किसने नाम जप ले है। हाँ हाँ जी। परंतु इस दौलत का कोई ग्राहक नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो कोई बिरला। यही कबीर साहब फरमाते हैं, सुनो कीमती बात, कि मेरे अंदर नाम रतन धन की खान खुली है, जिसको मैं मुफ्त देता हूँ। मुफ्त देता हूँ, कोई लेने वाला नहीं, वो ऐसा खजाना कभी खत्म ही ना हो पाया। रे मैंने नाम रतन धन पायो, उसको गर्ज थी, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कबू ना हो इस धन मैंने पायो, खर्च लाख हुए दिन दिन वर्ष हुआ, ये खजाना हासिल करना था। कर सोच लो ये बंधन तोड़ता हुआ है, अनेकों बंधन फंसा पड़ा है, पलक तन का प्यार है, किसने माया रखी किसने कुछ रखा, वो ख्याल इसको लिए फिरते हैं 84 में। हाँ मुफ्त देते हैं, लेते भी कुछ नहीं, कैसे मुफ्त देते हैं, छोड़ते भी कुछ नहीं, लेते भी कुछ नहीं, कैसे
जब राजा जनक ने ज्ञान मांगा तो अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की दक्षिणा हुआ करती है क्या, कि तन मन और धन। वो कहने लगे देने को तैयार हूं, कि मुश्किल है नहीं, अच्छा संकल्प कर दे। संकल्प कर दिया, क्या तन मेरा है, कि जी हां, या जूते में बैठ जा। और रैयत के सामने राजे का जूते में बैठने को आसान है, लोक लाज उड़ाने के लिए सोचो। उसने कहा वाकई ठीक है, बैठ गया। फिर उसका ख्याल खजाना में जाए, महल में जाए, खजाने महल मेरे हैं जी हाँ, इस ख्याल ना ला। उसने कहा वाकई मैं दे चुका हूं। अब मन संकल्प कल्प उठाता है कि मन मेरा है, कि जी हाँ, इसे संकल्प कल्प ना उठा। मन से सख्त लड़ाई करनी पड़ती है, खूब लड़ा, आखिर मन काबू कर लिया, कुछ ख्याल अंदर टिक गया, ज्ञान हो गया, शुरू हो गया। पूछे ज्ञान हो गया जी, हो गया, कोई कसर, कोई कसर नहीं। फिर ना कहना नहीं जी, ऐसे माल अपना तन मन धन। सोचो अपने तन के लिए कितना बंदोबस्त करते हैं, पढ़ा लेकर क्या करेंगे, सोच लो। अपना मन काबू नहीं आता, प्राय का लेकर क्या करेंगे, बड़े बड़े जाप तप तीर्थ व्रत किए किसे काबू आया, 88,000 साल तप किए किसे काबू आया, उन्हें क्या करना है। उनके पास वो खजाना है जो कभी खत्म ना हो, पैरे में नाम रतन धन पाया, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समाया, वो खजाना उनके पास है, ये क्या करेंगे। अपना ना समझना, सेवादार बन के काम करना, ये है। क्या लिया क्या छोड़ा, ये बंधन तोड़ाने आते हैं, तन का प्यार छोड़े, विश्वकार छोड़े, लोकलाज छोड़े, सिंह करे, इनके लेने देने भी खत्म करने है, किसी का देना है, किसी का लेना है, कर्म के सिलसिले से इकट्ठे हुए हैं। जिसको दुख दिया दुख लेना है, दुख लेना है, जिसे सुख दिया उसे सुख लेना है, ये भी काम करो। रजा में रहो, थोड़ा दे दे उसकी मौज, ज्यादा दे दे उसकी मौज, बच्चा पैदा हो गया लड़की या लड़का उसकी मौज, ना हुआ था उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज, राजी हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, ये है रहने का तरीका। और कर भी क्या सकता है, ऐसी है लगी पड़ी है, बोलो भाई मुफ्त की है बाकी। सोच लो जो कर्म करके आया उसका बदला देने पर कर्मों के सबसे फंसा पड़ा है। कर्म गत तारे नहीं टरे, तो लोकी का मालिक राम जंगलों में, कित कहा बादशाह का जंगल में, देखो भाई कहारी चंद बादशाह कह चुड़ो कर भी का, ये कर्म भी भुगतने हैं, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करें। बस स्मरण करो, याद रखो वो चीज मिली है तुमको, ऐसी चीज मिलनी मुश्किल है। देख लो कितने कितने जप तप तीर्थ व्रत वगैरह किए, ये 5 मिनट भी करे हजारों जपन तपन से ज्यादा है। जो पूर्ण ताकत का स्मरण है उसके नजदीक जिंदगी उतनी आते, चाहे थोड़ा है काल नहीं आता। आम दुनिया को मरते देखो, कट्टी पेशाब निकल जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, जिसमें अकड़ जाता है उसी वक्त देखो, ठीक है। अगर ठीक से हो, ठीक वीर हो, चौथे लोक का उसके नजदीक काल नहीं आएगा। जमदूत जो सबको खा गए, एक दिन घोकड़ आसी रे, काल आसी रे, 3 लोक और 14 हमने इस घोकड़ का राज आया, अचानक क्यों पकड़ेगा जो चिड़िया ने बास, सबको खा गया, इसके नजदीक नहीं आएगा। पर पना है इसके गा की कोई ना सुनो। हाफिज साहब फरमाते देखो कीमती बात, या खुदा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा रहा है, सब के सब बिल्कुल कोरे और रूहानियत से बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं, और इस धन का कोई ग्राहक नजर नहीं आता, ग्राहक नजर नहीं आता। सुनो उस फकीर की क्या निशानी है, नाम की क्या निशानी है, सुनो दो लफ्ज हर एक बता देता है। डाकू जा रहे हैं, हम खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, अगर हम सिपाहियों कहें गोली चलाओ, हमारे कहने पे चलाएंगे, बोलो भाई नहीं चलाते ना। अगर थानेदार कहे, लफ्ज वही है, उसके अंदर अथॉरिटी है, इसी देखो मालिक दरगाह से अथॉरिटी है, उसका बताया हुआ लफ्ज काम करता, बाकी नहीं। लफ्ज बदलते रहे और बदलते रहेंगे, उसकी निशानी क्या है, उस समय करने से थोड़ा है, उसकी निशानी क्या है।
शमस तबरे साहब अभ्यासी की मौत के समय मुर्शद के आने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मालिक के प्रेमी तो बाखबर मरते हैं, उनको अपनी मौत की पहले से ही खबर हो जाती है। वे अपने प्रीतम के सामने एक मीठी मौत मरते हैं। मुर्शद उनकी गुप्त आँख खोल देता है और मुर्शदहीन मनुष्य अंधेरे में मरते हैं। आरफ यानी गुरमुख लोग मरकर अपने सच्चे मालिक की तरफ रवाना होते हैं और बिना मुर्शद वाले लोगों की जान ख्वार होकर बेखबरी में निकलती है। जब वे चोला छोड़ते हैं तो सतगुरु उनके सामने होता है। उनको उस समय इतनी खुशी होती है कि अपनी शादी के मौके पर भी न हुई होगी, उनका सबसे मोह टूट जाता है। माँ अपने गोद के बच्चे का मुंह भी देखना नहीं चाहती। संगरी अभी थोड़े दिन हुए बीबी ने चोला छोड़ा है, बीमार थी लेके लुधियाने, वहां जिस वक्त मौत के नजदीक घर वालों ने कहा बच्चों को मना दें, कहने कौन से बच्चे हैं संगरी, कौन सा संगरिया, उसका ससुर कहने लगा उसका चेहरा ऐसा था कभी देखा ही नहीं। दूसरे दिन उसका संस्कार किया जिसमें नहीं अकड़ा, चेहरे पे खुशी, बोलो ये निशानी उसकी। अभी तो सरसे में एक प्रेमी ने चोला छोड़ा है, पहले बता दे, डेढ़ महीने पहले मैं जाऊंगा, फिर ट्रक ले गया रवा करने के लिए, दो चार मील दस मील जाता सीधा गया कहा कुरुक्षेत्र, गीता भवन के आगे खड़ा कर दिया, कोई लेना देना था कुत्ते को बुलाकर उसको रोटी खिलाई, उसका लेना देना था। बाकियों कहने लगे तुम चाय पानी पी आओ, बाकियों कहने लगा मैं सोता हूं, बस चार घंटे हैं, चार घंटे के बाद मेरी बादशाही बादशाही है, बस बादशाही बादशाही है, बोलो चोला छोड़ गया, ये निशानी हम देखो टिटिप सामने खुल जाता है जिसमें खड़ जाता है, कुर्सी पे बैठा के ले जाओ, कितनी फोटो पड़ी हमें कुर्सी पे बैठे हैं, यह नाम की निशानी, यह असली भक्ति की निशानी। हाँ पर सुनो, उनके दिल में कोई डर या चिंता फिक्र नहीं होता, उनको घर बार छोड़ने का कोई रंज नहीं होता और न ही आम जीवों की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, न ही मलमूत्र निकलता है, न ही उनके चेहरे पर किसी प्रकार का मलाल होता है। तो खुशी की बात आ जाए चेहरा खिल जाता है, गमी की आ जाए चेहरा मुरझा जाता है, डर के मारे टट्टी पेशाब निकल जाता है, इसका भी निकलेगा, इसके नजदीक ही नहीं आते, ये निशानी है नाम की, दो लफ्जों का क्या है। हाँ। और न ही वह काला पड़ता है, बल्कि पहले से भी अच्छा वह तेजस्वी होता है। हाँ। उनका शरीर भी जल्दी नहीं अकड़ता। हाँ, दो दो दिन पड़े देखे हैं, एक फोटो पड़ी हमारे पास 12 दिन इंग्लैंड में, 12 दिन के बाद फोटो खींची है, बोलो भाई उस रख लेते हैं, वो 12 दिन के बाद पता ही नहीं भी मरा हुआ है, चेहरा ऐसा है, ये है निशानी नाम की, मखौल बनाया नाम, दो लफ्जों का क्या है। हाँ। हाँ जी, काल व उसके दूत उनके समीप नहीं फटकते। हाँ। बल्कि अगर कहीं आ जाए तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि धाड़ कर उनको भगा देते हैं। हाँ, सदगुरु का महकमे लग गए, काल का लग गए, त्रिलोकी तक उसका है, सदगुरु चौथे लोक में रहता है, सोचो उसके जैसे सेंटर का लग गए, सूबे का लग गए, अगर सेंटर का मुलाजिम हो सूबे में गुनाह करे सजा तो पाएगा, लेकिन सूबे वाला तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी तरह ये है। हाँ। तुलसी साहब लिखते हैं। हाँ। जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूर होए भागी, जमकी जाल निकट नहीं आवे मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं। हाँ। कि जो लोग सदगुरु की भक्ति में लगे हुए हैं उनके पास जमदूत नहीं आते, वह न ही उन्हें धर्मराज के पास जाना पड़ता है, जिया सतगुरु सो चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न होवे ना ओ दुख सहाय। फिर फरमाते हैं कि जहाँ पापी मनुष्यों को काल दूध की तरह मथनी से मथता है
वह संतों के चिताए हुए जीवों का जो नाम प्रकट कर लेते हैं या प्रकट करने का यत्न करते हैं, धर्मराज स्वागत करता है और उनको नमस्कार करता है। स्वागत करता है, नमस्कार करता है। देख लो पूर्ण ताकत का वचन है, अगर कोई कर्म हो। हाँ। पापी कर्म कमाऊं दे कर दे हाय हाय, नानक जो मथन मधानिया त्यो मथे तरम राय। हाँ। नाम त्यायन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक तरम ऐसे चवे कितो पवन पुनीत। बड़े बड़े कर्मियों धर्मियों को देख लो जाकर, टट्टी पेशाब निकल जाता है। इस नाम के आगे, इस सिमरन के आगे कोई नहीं आएगा। देखो मर्तों को, हाँ, तजर्बा करो ऐसी। हमारा नाम ठीक है, हमारा नाम ठीक है, हमारा मजहब ठीक है, हमारा मजहब ये रह गया बस। भागवतों से ये चीज मिलती है, फिर इसकी कदर नहीं, इतनी कीमती चीज। हाँ हाँ जी। यदि किसी ऐसे सत्संगी का कोई कर्म बाकी रहता हो तो मौत से पहले सतगुरु इस कर्म के बदले में कष्ट देकर उसे भुगता देता है। हाँ। परंतु मौत के समय जीव खुशी खुशी जाता है। खुशी जाता है। हाँ। ये है निशानी नाम की। डॉक्टर नहीं कितने हैं भाई? अच्छा इधर बैठे हैं। हाँ। चलो भाई डॉक्टर। अच्छा वो बैठे हैं। हाँ। चलो। हाँ हाँ जी। ये है श्री नाम की निशानी। हाँ। इसका करो, ये चीज मिली कीमती है, ये जन्म मौलिक हीरा, हीरा कहते हैं हीरा। हीरे कितने संभाल के रखते हैं, घर वालों को भी बताते नहीं, कोई मौका ऐसा आ जाए, गरीबी आ जाए, फिर जल्दी जल्दी खर्च नहीं करते। अगर वो गुम हो जाए फिर भी शायद मिल जाए, ये तो मिलना ही नहीं, सोचो ये तो मिलना नहीं, मुश्किल से मिलता है। समझते ने लिखा है ये भक्ति की, और लाइट वे खराब कर दी। हाँ समझते ने लिखा है भक्ति की, जब अंदर गया उसने लिखा है क्या लोगो, इस इंसानी जामे से पहले मैंने इंसानी जामे में 9 बाप और 14 माताएं की हैं। बोलो उस वक्त कदर नहीं की, अब कदर की, सोच लो। मैं तो घोड़े बनना सिखा आसान है, शुरू शुरू की बात है, सच्चे सौदे के साथ नाला जा रहा है, उसका पानी टूट गया, कच्ची सड़क थी, उसमें गाड़ी फंस गई, वहां बाढ़ थी, बाढ़ के ऊपर से मैं सांझ देखा, ठंडी सांस भरी, देखो भाई माली डंडे मारता है, देखो भाई जब इसको इंसानी जाम मिला था कदर करता तो क्यों बैल बनता, क्यों डंडे खाता। बोलो हमें कदर नहीं, अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी चीज भी मिली, निंदे चुगली इधर उधर सब ख्याल निकाल दो, सिमरन पकड़ो, याद रखो मेन चीज ये है, सिमरन मेन चीज है, बाकी कोई चीज नहीं, किसी चीज ने साथ नहीं जाना, ऐसे ठेके लिए बैठा है। हाँ वो काम करो जहां सिमरन बने बस, और वो सोबत करो जहां सिमरन बने, अंदर शांति आए, सड़ रहे हैं सारी दुनिया एक दूसरे को सड़ रहे हैं। बोलो। हाँ हाँ जी। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा है जी, गगन मंडल में अमृत वर्ष है, गगन मंडल में अमृत वर्ष है, उन मन के घर वासा सुतार धरे गुरु चरना, सुतार धरे गुरु चरना, करे न तन की आशा है, ऐसा महंगा भी विकत है, ऐसा महंगा भी विकत
अमृत बारे मासा जब जब भी कुछ कर पियो चीज उतार क्या ये काटना तो नहीं उनके हुक्म में रहे दो वक्त वक्त दे बिठाए मन को फिर भी पीने लग जाए। हाँ ऐसा महंगा मी बिकत है ऐसा महंगा मी बिकत है शेर तुबारे मासा हे जी नासा में लिखा है अभी तुमने ये रस लेना है काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ तज होए निचिंदा परम का संगत तोड़ निराला हर अंतर रस पाया काम छड़ दे प्राय सीख तरफ भी न देख विश्व कर्म जल चीजों का ख्वाहिश निराला काम किसे कहते हैं जितनी कल्पना सब काम में है काम काम सबको कहे काम न चीनने कोई जितनी मन की कल्पना काम खावे सोए ये ख्याल इसको टिकने देते कल्पना नहीं टिकने देती सिमनी करने देती क्रोध छोड़ दे जब क्रोध आता है देखो होश नहीं रहती कई दफा तो अपना अपना काता आप ही कर लेता है क्रोध भूल जाता फिर आवे तन मन की सुख बिसरावे वो आत्मघाती जानो वो महामूल पहचानो प्राय निंदा छोड़ दे कोई बुरा है सिमरन क्यों करते हैं ताकि माल के आ गए माल के पास पहुंच जाए माल के अंदर भाग जाए वो बुरे का सिमरन करोगे फलाना यूं है फलाना यूं है फलाना है सोचो भाई वो बस गया देख लो फकीर तो इनसे खुश है नंदा करा के निंदा भर सोच लो मैं और उस करने वाला का बेड़ा कर निंदा भले कहूं कि ना ही मन मुकरण मुंह काले के नंद का नरके को अर्पण करे निंदो निंदो मुख प्यारे निंदा मेरे खरी प्यारी निंद मेरे कपड़े तो गए निंदा मेरे ये करे मेरा ये करे प्रोड्यूसर ने लिखा गया बस फकीर निंदा करा खुश होते हैं उनके पाप वो उठाता है। हाँ हाँ जी निंदक जीव है निंदक जीव है जुगन जुग काम हमारा हो काम हमारा हो निंदक जीव है जुगन जुग काम हमारा हो काम हमारा हो बिना कोड़ी को चाकर कमर बांध के फिर करते हुए लोक उजागर तब मेरा नाम भी रोशन करता बाहर है। देखो मेरे पाप भी उठाता है और पैसा भी कोई नहीं लेता तनख्वाह भी कोई नहीं तो उसे हमारी सोच पलक भरना है बिसारी लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। नौकर ऐसा काम करता है दिन को रात तेजी से वो करते हैं हाँ जी संत कहे दृढ़ करे जगत का भरम छुड़ावे निंदक गुरु हमारे नाम से वही मिला निंदक गुरु हमारे हाँ है हाँ, हाँ, हाँ। सुनकर निंदक मर गया पलटू दिया हरोए निंदक जीव जुगन जुग काम हमारा होए हाँ? हम तो कहते मरे वो कहते मैं मर गया तो मैंने तो मेरा तो नुकसान हो गया उल्टा काम है काम क्रोध पर हर पर निंदा लब लोभ तज होए निचिंदा लोभ छोड़ो पैसा करता करता पत्थर दिल बन जाता है कितने पैसे हो जाए शांति नहीं कभी रुंधी खोपरी कबू धापे ना है तीन लोग की संपदा कब आवे घर में फिर सिमरन करे सोचो फिर रस आने लग जाए ये छोड़ के एक कल्पना छोड़ दे क्रोध छोड़ दे दीनता से गुजारे सबसे कोई गाले भी दे जाए परवाह ना करे
सोचो काम क्रोध पर निंदा निंदा छोड़ दो, लब लोभ तज होए निचिंदा, परम का संगल बार परम है सारा कूड़ है। सोचो फिर अंदर आसाने लग जाए, ये तरीका रस लेने का। हाँ जी, फिर देखो शांति कैसी है, ना बादशाही में ऐसी शांति है, किसी चीज में शांति नहीं। तो भजन करके तो देखे। एक बीबी सचपाशा के पास आए, कहने लगे जी 20 साल हो गए शादी हुई को, एक बच्चे बख्श दो। देखो कहने लगे बीबी यूं कर, 6 महीने खूब भजन कर, तो फिर आज जितने कहेगी उतने दे देंगे। उसने खूब भजन किया, आखिर बैठ गई चुप करके। सचपाशा पूछे बीबी कितने बच्चे चाहिए, कहने लगे एक भी नहीं चाहिए। बोलो ऐसी शांति है, ऐसी शांति है इसके अंदर। हाँ जी, मोल करे सो शके दूर से, मोल करे सो शके दूर से, तोलत छूटे तो जोर से मिलता है ये, ना माया से मिलता है, सब ठगी हैं। माया से मेरे बड़े बड़े शौकार पड़े हैं, करोड़ों पति वो ले लें। सोच लो हमारा हाल क्या है, कोई मेहनत करता नहीं, ऊपर ऊपर से करते हैं। हम पढ़ते थे उस वक्त एक लतीफा आया किताब में, क्या कि कंजूस रोटी खाने लगा, घी का वो क्या ना कुजा यूं रख लिया, ऐसे करे खा ले लगने आंदे, ऐसे करे खा ले। एक कंजूस और आ गया, वो कहना तू बहुत खर्च करता है, और क्या करूं, उसने वहां कुजा रख लिया, यूं करे खा ले। हमारा ये हाल, हम चाहते हैं ऐसे भजन बन जाए, ऐसे मिल जाए। सोचो जिन्हें पाया मेहनत से पाया, बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना। उन्हें किली से केस बांध दे, मन ही नहीं करने देते, मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। मन से लड़ो, रात को जागो, मन लगे ना लगे बैठे हो। ये राम को चिट्ठी लिखी थी मसान जी ने, राम महात्मा को। सुनो देखो, अगर हम ये चाहें कि मसान जी की सोच मिल जाए, किसी को मिल सकती है? ठीक है, क्योंकि रातें चले जाते हैं, हमने भी चले जाना है, कहने वाला भी नहीं मिलेगा तुम्हें, याद रखो ये। हाँ जी, जो आसान होता तो सारी दुनिया भजन कर लेती, और ये 52 लाख फकीर तीर्थों पर धक्का न खाते। जिन फकीरों ने पाया है रो रो के पाया है, हंसदे खेलदे प्यो मिले तो कौन दुआगण होए। फकीरों की सारी उम्र रिड़दे गुजरी, गुरु नानक साहब ने माँ को बोलिया, माँ साचा नाम आखण औखा। 12 साल रोड़ों पर गुजारा, गुरु अमरदास किली पर केस टंग के गुजारा। मन के मारने की और कोई दवा नहीं, सिर्फ सिमरन है। सिमरन करते जाओ अंदर से पांचों चोरों की घड़त निकलती जावेगी, और कोई भजन नहीं, मन का मुकाबला ही भजन है। मन का मुकाबला करे ऐसा ऐसा है, फिर लगने लगता है, जल्दी का काम नहीं। किली से केस बांधे उन्हें 12 साल, जैसे भी लगे रहो बस उल्ट पुल्ट जप राम ही टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसी लोग को। नौकर दुकान पे बैठा है, काम हो ना हो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब बैठो मन लगे ना लगे हुक्म मानकर, तो मालिक मजदूरी देगा। तुलसीदास ने भाव कुभाव और सुदम जैसे भी लगे रहो। देख लो भाई, जल्दी का काम नहीं। हाँ बुरा साहब ने लिखा, जैसा भी तैसा बरते अपना बल निहारे, अपनी तरफ से कोशिश करो, मन चाहे लगे ना लगे लगाने की कोशिश करो,
ये जल्दी का काम नहीं, देखो बच्चे को हम पढ़ने भेजते हैं, कई दफा वो स्कूल से भाग आता है, हमें नहीं पता लगता नमाज को बदल लेता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बैठना सीखता है बच्चा, इस दे मन भी बच्चा है। हाँ और भाई सो जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतना ही भजन है। हाँ सो ये पढ़ भाई, अब पढ़ ये टेप में वचन पढ़े हैं। अपने मन को रोज तुम्हारे को हक था समझाने का, जैसा बच्चे को पढ़ाने वाला अगर प्रेम ना करे पढ़ता नहीं, ल्यावे जावे पढ़ पुटर, ल्यावे जावे पढ़ पुटर, ये मन भी एक बच्चा है। आप बच्चों को समझाते हैं ऐसे ही, बाहर खेलता है लाते हैं, पढ़ के बैठ भाई तेरे काम आएगा, फिर भागता है फिर लाते हैं, इसी तरह ये है। हाँ, हाँ। जिन्हें महात्मा दुनिया में आए संत महात्मा, उन्होंने यही पुकारा कि तुम्हारे अंदर कस्तूरी, तुम्हारे अंदर रस, जैसे सेब में, अंगूर में, मिठाई में, जलेबी में, हर एक चीज में रस है, तुमने न लिया। कदम कदम पीछे एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएगा, ठीक रास्ता हो थोड़ा थोड़े करो एक दिन पहुंच जाओगे, जल्दी काम नहीं, इसकी मुद्दत लगती है। पर जो परमेश्वर अंदर रस अमृत मेहर चीज बनाया, खुशियों का खजाना बनाया, तो तू इस दुनिया में आके ओ न लिया, तो तेरी माँ को कीड़े पड़न। ए बाजीगर की बाजी तू देखी कि क्या ए बिरला मंदिर है, ए बिरला मंदिर है। बस हाँ ये देखो पढ़ देर की। आज बीज बोया और कल उसका फल चाहा, ऐसे अधीर पुरुष को कदापि यश नहीं मिलता। बोल आज बीज बो के अरे फसल चाहे मिल जाएगी, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। पानी गोदी फिर कई दफा ज्यादा गर्मी होती है, कई दफा ज्यादा सर्दी होती है, बहुत नुकसान करती है, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, लगा रहे। हाँ हाँ जी, यदि जल्दी फल नहीं मिले तो ये समझो कि पहले के किए गए पाप संकल्प अधिक है, परंतु वह नए पंत संकल्पों द्वारा निश्चय ही प्राप्त होगा। जब तक हृदय के अपवित्र भाव न हट जाए, तब तक हट पूर्वक सेवा तथा सिमरन करते रहो। जिस तरह धूप में वह अग्नि के पास बैठने से या पानी को हाथ लगाने से अंदर गर्मी या ठंडक का असर होने लगता है, उसी तरह सिमरन में लगने से अंदर प्रभाव जरूर होता है। जरूर होता है। देखो संतरे का नाम लेने से कोई ना कोई रस आता है, सामने देख ले और ज्यादा, ऊपर से छिलका उतार दे तो और ज्यादा, खा ले तो फिर ये ऐसे ही है। भाव या कुभाव, आलस या उदम से किसी तरह भी सिमरन करो, वह अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। भाव को भाव अलग आलसो, नाम जपत मंगल दस दिसो, उलट पुलट जप राम ही टेढ़ा सीधा होए, या का फल नहीं जाएगा कैसे ही लोकोय। मालिक से मिलने के लिए मुद्दतें लगती हैं। इस फसल के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग करते हैं, कितना टाइम लगता है, माल कैसे मिल जाता है, सब ठगी हैं। हाँ जी, मालिक से मिलने के लिए मुद्दतें लगती है, जिंदगी में उसकी प्राप्ति की उम्मीद उन्हीं को हो सकती है जो दिन रात धैर्य और दृढ़ता के साथ उसके सिमरन और भजन में लगे हुए उसकी मेहर का इंतजार कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य भजन करना। देख लो भाई, गोदी करते हैं, पानी देते हैं, माल की मेहर के इंतजार करते हैं, कैसे लगाता है, ये भी ऐसे ही है, मौके पर फल लग जाता है ना, ऐसे ही है। हाँ, हाँ। हमारा फर्ज भजन करना और दरवाजे को खटखटाना है। जो सतगुरु अंदर बैठा है वह कभी गलती नहीं करता। वह उचित समय पर दरवाजा खोल देता है। बाजरी बीजी में दे, बाजरी बाजरी बीजी है दे। सुनो भाई, जैसे हम बाजरी बीजते हैं उस तरह की मिसाल आई है। हाँ कैसे हैं। हाँ।
कैसे फसल तैयार होती है वो। हाँ संतारे सरणे मेवा निपुजे अणत अपारा संतारे सरणे मेवा निपुजे अणत अपारा रे पारा रे मास से आरा रे उनारो जेठ रे महीने निपुजे रे पारा रे मास से आरा रे उनारो जेठ रे महीने निपुजे रे बारह महीने हर एक मौसम में ये मेवा तैयार है। कुछ कुछ पैदा करे कैसे। हाँ सरस्वती मिल सावन आयो भाव भादुआला गोरे सरस्वती मिल सावन आयो भाव भादुआला गोरे डेडर मोर पपैया बोले रनु काला जोरे रे पाली सेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे रे। इलाका बरानी है सावन भादो के महीने जब बारिश होती है उस खुशी में मोर भी बोलते हैं। आप क्या करते हैं डोरे में बांधते हैं पानी निकल जाए खेत का यहाँ फसल बीजेंगे ये बीजे ऐसे। हाँ इलाके इलाके के हिसाब से मैं समझाया बात बाद में हमारा वो कहता हमारा मजहब ठीक है वो कहता हमारा मजहब ठीक है गागा के चलेगा बस। हाँ सुनो फिर क्या। हाँ धोरा रे पाली सेंटा बांधो नीर निकल नहीं जावे रे काम करोद ने दूर हटावो जब खेती रस आवे रे। फिर आप क्या करते हैं जब फसल उगती है घास फूस वगैरह निकाल देते हैं ये काम क्रोध के ख्याल निकालो फिर खेती करा से भजन की खेती करा का पता चलेगा। हाँ काम करोध ने दूर हटावो जब खेती रस आवे रे संतर सरणे मेवा निपुजे निपुजे अणत अपारा रे खवाली राखो रे पुतले रे मंगल मारो भालो सूरत रखवा रे गुप्त चिड़ी ने परी उड़ावो गुड़गम टाट बजावो रे। जब फसल तैयार होती है फिर आप क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं ढंचा मंगना है ढंचा ढंचा बांधते हैं बैठते हैं फिर निगाह रखते हैं इधर से चिड़ी ना खा जाए इधर से ना खा जाए ख्याल यहाँ रख के इधर उधर के ख्याल ना आने दो इन चिड़ियों को उड़ाओ। हाँ फिर फसल तैयार है। हाँ उतले रे मंगले मारो भालो सूरत रखवाली राखो रे गुप्त चिड़ी ने परी उड़ावो दुर्गम टाट बजावो रे। देखो ढांचे बैठ के कितना कितनी तवज्जो रखते हैं इधर से ना जाए चिड़ी इधर से ना जाए इधर से ना जाए इसी तरह सिमन करे ख्याल रख के। हाँ हाँ जी गाड़ा रे भर भर घर में लावो कोठा भरवा लाग्या रे गाड़ा रे भर भर घर में लावो कोठा भरवा लाग्या रे कबीर कबीर सा सुनो भाई संतो दिल राधो का भाग्या रे। फसल तैयार हो गई हम आज करो ये है ये फसल तैयार करे ऐसे तब भजन बनते इसका नाम है भजन करना ऐसे गुरु मिल गए चलो हो गई मुक्ति।
वो भी खुश है, वो भी खुश, मुफ्त की चीज सुना करते थे। साधु आया किसी सेठ के पास, उसको घर बैठे भगवान आ गया, उसको अच्छी रोटी मिल गई, दोनों काम मिल गया। तो है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है। ये रस्ती ऐसे ऐसे पिया पिया जाता है, ये बातों का मजमून नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ इन रस काज भय निरप जोगी, इन रस काज भय निरप जोगी, छोड़े भोग विलासा हे जी। बाहर के रात छोड़े है, है। विषय बन फीका त्याग री सखी नाम महारस पियो है। जब तलक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तलक तब तलक साधु बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। हाँ जी, है है। इन रस काज भय निरप जोगी, इन रस काज भय निरप जोगी, छोड़या भोग विरासा हे जी। शत्र सिंहासन बैठा रहता, शत्र सिंहासन बैठा रहता, भस्म लगाई उदासा। कौन सी भस्म लगानी थी, यहाँ से मिट्टी लगा ली ऊपर, साधु बन गए, मुझे किसी की जरूरत नहीं, बाहर से फलानी चीज आवे फलानी चीज आवे। कौन सी भस्म लगानी थी, उदासी की बादशाही भी मेरी नहीं, क्या पता मालिक इस वक्त ले जाए। सोचो ये दुनिया से उदास होना चीजों से नहीं, मेरी नहीं, उसकी उसकी मौज में रहे, ये उदासी, ये भस्म लगानी थी। मिट्टी लगाने से क्या बना। हाँ हाँ जी, नहीं मुझे नहीं जरूरत, उसकी मौज दे ना दे। हाँ हाँ जी, बैराग्य मन में बसे, घर बारी घर माए, राम निराला रह गए दोनों में ना है। जिन प्राणि कर जाने घर बने एक समान, घर माही बन जो बसे सोई सास जान। बादशाही भी है भी मेरी नहीं, जैसे बन में बैठा है, चीज पास पड़ी है, ख्याल ही नहीं जाता उस तरफ खाऊं या ना खाऊं, इसका नाम है। हाँ, हाँ। शत्र सिंहासन बैठा रहता, शत्र सिंहासन बैठा रहता, भस्म लगाई उदासा हे जी। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा जी। गोरखनाथ भरत री रमया, गोरखनाथ भरत री रमया, सोई कबीरा व्यासा हे जी। बगैर अभ्यास के कुछ नहीं मिलता, सब ठगी हैं, ऐसे ले जाएगा। किसी भगवान ने क्या नाम उसका, उदो को, उदो ने कहा कि मुझे अपने परम पद ले जाओ। देखो खास आदमी, उन्होंने कहा पहले अभ्यास कर फिर जा सकता है, पढ़ो ऐसे मिल जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे मिले तो सारी दुनिया को ले जाए। हाँ सब आते हैं, दया करो दया करो दया, दया इसके अंदर से निकलेगी, मेहनत से निकलेगी, सब ठगी हैं। कोई एक आध किस्सा हो जाए किसी फकीर की जिंदगी में, नहीं तो बस वो भी अचानक, नहीं कोई नहीं, ऐसे तो मालिक खेल करना चाहे, देखो पाखड़ा से बंद कर दे बिजली, सब काम खत्म, नहीं करता वो, ये मेहनत से मिलती है चीज, ऐसे नहीं। हाँ हाँ जी, गोरखनाथ भरत री रमया, गोरखनाथ भरत री रमया,
कोई कबीरा व्यासा है। गुरु प्रताप कछु एक दादू, गुरु प्रताप कछु एक दादू पाए सुंदर दासा प्यासा कोई जन पियो राम रस प्यासा है। गगन मंडल में अमृत वर्ष है, गगन मंडल में अमृत वर्ष है, उन मन के घर वासा है जी। वहां जाए तो पिए सोचो भाई, कोई चीज कहीं पड़ी है वहां जाए तो जो वहां बैठा वो दे, वो सब चौथे लोक में वहां पहुंचे तो अमृत पिए कैसे पिए सोच लो। राम नाम रतन कोठड़ी घर मंदिर एक लुकाने, सतगुरु मिले तो खोजे मिल ज्योति जो समाने। गुरु साहब ने कहा है कि राम नाम एक रतन है, हीरा है, खास जगह पे है। कई चीजें हम बाहर रख देते हैं, कई सेन में रखते हैं कि कमरे में रखते हैं, कई संदूकों में रखते हैं कि सेफों में रखते हैं, कि सेफों खास खाने में रखते हैं, कोई अधिकारी होता तभी देते हैं, किसी को ऐसे देते हैं, घर वालों को नहीं बताते हैं। कैसे मिलेंगे वहां जाए तो मेरे सदगुरु के पास, तो सदगुरु चौथे लोक में है, बाहर कोई सदगुरु नहीं। फुक्के दिए मसाज ने, बाहर कोई गुरु नहीं, गुरु एक ही है सबके अंदर है। आपे धर्मदारी मेरे सदगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो, जिसने तारण चांद तारे सुर बनाए वो चौथे लोक में रहता है। सुन हृदय सतगुरु सदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, कहते कहा है चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वास, त्रिलोक तक काल का दर है। पर भाई सुनो, बेशक इट्टे में पड़े वचन, बेशक तुम बाहर बेशक बोलते रहो कि हमारा सतगुरु पूरा है, पता उसी वक्त पड़ेगा। पूरा सतगुरु ता है जो पूरे सतगुरु को लभे, जैसे लकड़ी में अग है, जैसे धरती में पानी है, जैसे फूल में खुशबू है, तो उसके वास्ते सो जांदा है सारी रात। लकड़ मंडी के संडे का यार बनदा है कि भाई पूरा सतगुरु है, ठगी से पूरा सतगुरु होगा नहीं, वो सब जानदा है, जरा जरा जानदा है, जरे जरे में बैठा है, वो सब कुछ करण करावन हार है, मगर तुमने उनकी कदर न की, असी उनका कदर न किया। वो तो सदा टट्टी पखाना पेशाब गाय से लहू परे करके दूध देता है। मेरे बच्चे पीवन मेरा नाम जपन, नाम जपने के वास्ते इनको गोली बजती है, है। हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ? हाँ जी, नाम जपने के वास्ते इनको गोली बजती है। और सारे और दौड़ से भाग रहे, ये कर लो, समझ में परमार्थ कर रहा हूँ, ये नहीं कहते मन ठगी करता है। हाँ जी, सुबह बजते हैं जबान में कि सिमरन उनका घंटा बैठ के करे, जा घंटा एक एकांत करके रात को सोचे कि कैसी कीमती बॉडी बनाई है मालिक ने, कि कैसा देखो फूल देख लो। है। इसको तो आले कंडों में चढ़ाएगा इसरार, आले कंडों क्यों, आले कंडों क्यों चढ़ाएगा सोचो। ये जो सिमरन है कीमती चीज, किसी को मिल जाए तो वो कदर ना करे फिर तकलीफ देता नहीं, कैसी कीमती चीज है सुनो ये पहले तो। दादू साहब फरमाते हैं कि ये मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासुओं को, जिसको थोड़ी बहुत तड़प है, तो भागों से मिलता है इसको कुछ। जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है, यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है, दो चित्त की हालत मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है, अर्थात
जिस तरह लकड़ी में आग गर्मी होती है उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को अंदर बसने लग जाती है ना, पढ़ते पढ़ते राम भी बसने लग जाता है, निवास काम देने लग जाता है। कैसे काम देता है? मेरा गुजार भेजा हार, देखो भाई हाथ बन गया, साफ भेजा हाथ बन गया, तलाद की संभाल की, तू जपे अंदर बसे तब है। हाँ हाँ जी, और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, अर्थात सबका शिरोमणि और सबसे बड़ा बना देता है और उच्च पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पवित्र कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलख यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है, अर्थात सब अकलों का मालिक बन जाता है। उसके तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, अर्थात ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बन जाता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, इसके तेज को बढ़ाता है, इसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर ग्रंथ ने लिखा है कोई स्मरण करे, जैसे माँ के दूध से बच्चे को खुराक मिलती है, आत्मा को खुराक मिलती है स्मरण करने से। हाँ हाँ जी, और अंदर प्रकाश करा देता है, सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंचा देता है। पहुंचा देता है। आगे हम सुनो, आले कंडों में सुनो हम क्या। हाँ, किसी कामल उस्ताद के बताए हुए सिमरन को बिजली पर लगाई हुई एक मशीन से तुलना दी जा सकती है। जिस तरह बिजली पर लगाई हुई एक मशीन हाथ से चलाने वाली मशीन से सैकड़ों गुना ज्यादा काम करती है, यदि किसी चीज को बनाने वाली मशीन है तो मिनटों में चीजें बना बनाकर ढेर लगा देती है, यदि वह काटने वाली मशीन है तो मिनटों में काट काट कर ढेर लगा देती है। ठीक है भाई, बिजली पे लगाने वाली। हाँ सुनो, ये भी ऐसी ही है। हाँ, इसी तरह कामिल उस्ताद के बताए हुए सिमरन का हाल है। दादू साहब फरमाते हैं कि नाम लेकर सिमरन न करने का पाप इतना ज्यादा है जितना कि सारी दुनिया में हो रहा है। हाय हाय, क्यों? पूर्ण ताकत हमारे लिए इंसानी चोले में कितनी तकलीफें उठाई, सोचो कदर की। हाँ 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 जी, और उस सिमरन के करने का लाभ इतना ज्यादा है कि मिनट मिनट पर सैकड़ों जन्मों की मन की मैलें साफ करता जाता है। हाँ, ये ऐसा है, मन की मैलें साफ करता जाता है। कोई करे पांच मिनट का करोड़ों साल का बाहर का जप तप वगैरह कोई मुकाबला नहीं रखता। इसमें ऐसी चीज है जो मिली है आपको। हाँ हाँ जी, जेता पाप सब जग करे तेता नाम विसारे होई, दादू राम संभालिए एता डरे धोई। पूज्य मस्ताना जी का एक वचन, लख लख लानत जड़ा नाम लेके जपदा नहीं, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं, और सारे पाप उतर जाएंगे क्योंकि वो पाप तो राम उतार देगा। जो राम से ठगी करे वो किस तरह उतरे, वो कैसे उतरे? है, है। गौ हत्यारा बख्शा जाएगा, गुरु हत्यारा नहीं बख्शा जाएगा, बख्शा तब जाएगा जब शैतान मन का कहा न करे। मन ही नहीं करने देता, ये बहुत बदमाश है मन। ऊपर से कहता बड़ा परमार्थ कर रहा हूँ, पता चल जाता और मारता चक ठक, बाहर सब ठगी है, सिमरन मेन चीज है, उसको छोड़े बैठा है। ये वचन मन की ठगी, सुनो भाई, इस काल कैसे करता है मन काल। हाँ, यह मन सबके अंदर रम रहा है और अपने वकालत का काम करता रहता है। एक तरफ किसी प्रेमी के मुंह से
कोई बात निकलवाता है, दूसरी तरफ दूसरे प्रेमी के मुंह से हाँ करवाता है। अब सतगुर तारे वाल बल फेंक लोड़ी नहीं बहुत ये कहने फिर बस हाँ और सीधे रास्ते पर चलने नहीं देता, संतों के हुक्म की पूरी पालना नहीं करने देता। यदि कोई कहे कि स्वयं सतगुर तारेगा या बाहर की सेवा करो, यही भजन है या किसने भजन किया है, तो ऐसी बातें झट पकड़ कर भजन अभ्यासी से दूर फेंक देता है। संतों के हुक्म अनुसार भजन सिमरन किए बिना और अंदर शब्द का रस लिए बिना यह मन काबू में नहीं आता। संतों का हुक्म मानकर इसको बैठाना ही अच्छा भजन है। इस जगह कबीर साहब की ग्रंथ अनुराग सागर से एक संदर्भ दिया जाता है कि किस तरह काल तरह तरह के रूप धार कर जीवों को फकीरों के वचनों की पालना करने में रुकावट डालता है, उनको भरमाता है, धोखा देता है और भजन सिमरन नहीं करने देता। कबीर साहब धनी धर्मदास को कहते हैं कि काल ने कबीर साहब पर श्रद्धा रखने वाले जीवों को भरमाने के लिए अपने चार अंशें पैदा कर रखी है, जिनको ये समझाया गया है कि वे कबीर के नाम पर पंथ चला दे और वहाँ कबीर के नाम के अतिरिक्त और कोई बात न करे। जब उनके श्रद्धालु कबीर साहब का नाम सुनकर उनके पास आने लगेंगे तो उन पर ऐसा जाल बिछा दे कि वे सही रास्ते से परे हो जाए। कबीर फुटबॉल बैठे है ना, ये सुनो गौर से। कबीर साहब का ये ऊपर वाला वचन पूज्य परम संत कबीर साहब का ये ऊपर वाला वचन पूज्य परम संत मस्ताना शिया बलोचिस्तानी अक्सर प्रेमियों को सुनाया करते थे ताकि वे सावधान रहे और किसी धोखे में न आ जाए। निरंजन का अपनी चार अंशों को चलाने की आज्ञा देने की कथा। तिनते कहो सुनो हो अंशा, तुम तो आहो मोर निज बंसा, तुमसे कहूँ मान सो लीजे, आज्ञा मोर सो पालन कीजे। वेरी हमार है एक भाई, नाम कबीर जग माहे कहाई। वेरी कौन है? कबीर। देखो भाई काल कहते है वो वेरी है। भाव सागर मेटन सो चाहे और लोग सो बसावत आ है। क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमारा देश बसता रहे, जीव निकल जाए, कैसे किससे राज करे, वो निकालने आते हैं। फिर दुश्मन तो हुआ, हाँ मुश्किल से आजादी ली है ना कांग्रेस से, ये भी लड़ना पड़ता है। हाँ सुनो। कर छल कपट जगत भरमावे, मोर रात सब छुड़ावे, सत्य नाम कर टेर सुनाई, जीवन को सो लोक पठाई। मार्ग दिगा में लेके जाता है। जाने न दो कैसे। जगत उजारन सो मन दीना, ताते तुम हम उत्पन्न कीना, आज्ञा मान जगत में जाओ, नाम कबीर पंथ पर गताओ। जगत जीव विषय रस माते, मैं जो कहूँ करो सोई घाते, पंथ चार तुम जग निर्माओ, आपन आपन राह बताओ, नाम कबीर चारों धर राखो, बिना कबीर न वचन मुख भाखो। प्रेमी जाते हैं उनके यहाँ तो कबीर की ही है बस। और तो बात ही नहीं। नाम कबीर जब जीव आवे, कहो वचन तिनके मन भावे, कलयुग जीव ज्ञान शुद्ध नाही, देखा देखी राह चलाई चलाई। सुनत वचन तुमरो हर्ष आवे, बार बार तुमरे डिग आवे, जब श्रद्धा तिनकी दृढ़ होई, भेद भाव ना मन है कोई, तिन पर जाल अपनो डारो, भेद न पावे देख समारो। ये कर लो वो कर लो बस भारी भर है। देख लो कबीर ने तो कमाल किया, खोल दी सब बातें है। पढ़े उसके ग्रंथ एक कबीर एक तुलसीदास, कमाल किया ना, सब कोई बात नहीं छोड़ी। ऐसे ठगियां चल रही हैं, कभी किसी के अंदर कभी किसी के अंदर बैठ जाता है, कभी किसी के अंदर बस है। हाँ जी बोल दे, हो गया चलो देनु फिर। हाँ वो सतगुरु चौथे लोक में जब तक वहां नहीं पहुंचते, चलो ही बोल भी रहा था। थोड़ा जा बोल दे। हाँ सुनो। Thank you.
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रथम बंद सतगुरु पहले सतगुरु को नमस्कार करता हूँ, जिनको के चरण जिनके चरण में बैठा मैं आनंद ले रहा हूँ, वो चौथे लोक में है, जिसके मतलब वाणी में रोज पढ़ते हैं, आनंद भया मेरी माया सतगुरु में पाया, कहाँ सतगुरु में पाया, सहज स्थिति सहज अवस्था में चौथे लोक में, मनोजियां बधाइयां, उन्हें तो पाया, मेहनत की हम पढ़ पढ़ के रह गए, आनंद मिला किसी को, उन्हें तो सख्त मेहनत की, दिन को सेवा रात को किली से केस बांधे, तब पाया कैसे ही हा? कैसे पाया उन्होंने, हाँ संतों को नमस्कार करता हूँ। संत किसे कहते हैं, जिन्होंने अंदर सतगुरु को प्रकट किया चौथे लोग, उनको संत कहते हैं, साधु कहते हैं जो पार ब्रह्म में जाता है, ऐसे साधु नहीं, साधु सोई जिन एक गल लीना नौ दरवाजे प्रकट कीना, ये नौ दरवाजे दो आंखों के दो कानों के दो नाक के छेक मुंह का साधु ट्रिक्षाव के दसवा खोल जाए जिन दीना जहां कोहरा मारा है, आगे सेत सुनना भाई मानसरोवर पैठन आई, मानसरोवर कहो प्राग कहो अमृतसर कहो हौज कौशल कहो, वहां ना है फिर रूप साफ होती है, फिर साधु बनता है, फिर आगे संत बनता है जाकर, हाँ पार में साध हृदय बसे नानक दे साथ सुन रसे, हाँ फिर संतों को नमस्कार करता हूँ क्यों, हाँ जिन्हें सुरत और नृत्य का भेद बताया, सुरत क्या वो शक्ति जो शब्द को अंदर सुनती है, शब्द गुरु को मालिक की आवाज आ रही है सबके अंदर, नृत्य वो जो नूर देखती है, सोचो हाँ हाँ जी मालिक ना तन ने देखना है ना मन ने देखना है, जब देखना है अनुभव करना आत्मा ने, वो फंसी पड़ी है बेचारी, हाँ कैद में, हाँ प्रकार की सेवा है, तन की मन की धन की और सुरत की, तन और धन के हरेक कर सकता है चाहे किसी, मन हमारा दुश्मन है इसको तो बेच ही दे संतों के पास, उनके हुक्म के मुताबिक की हुई सेवा से ढीला पड़ता है, फिर से मन कर सकता है, जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हुआ यहाँ से सुरत की सेवा शुरू होती है, जब लग सुरत सिमटे नहीं मन निचल नहीं हुई तब लग के ऊपर से नहीं बड़ी वृत्ति हुई दल समझ, कहते हैं ना जड़ चिंदी गांठ खोलो, किसने खोली, खोले तो देखे कैसे सुने कैसे ही बातें बातें हैं, हाँ हाँ जी आ
चरणों में नमस्कार करता हूँ। क्यों कि वो आंख खोल दीजिए, मालिक देखने वाली है। शिव नेत्र तीसरी आंख कहते तो हैं, थर्ड आई कहते तो हैं, दिव्य चक्षु इन्हें खोली, खोलना बताया किसी ने कि बातें बातें बस बातें कर ली। सोच लो पर्वत को बताने वाला है, सोचा वो बताया थे, उसने सुन लिया, उसने बता दिया, किया तो कुछ ना, खोली तो ना, देखे कैसे। नानक सेखने बयान जिन्हों मापरी, वो आंखा और है जो देखने वाली है, उसमें मोतिया भी नहीं हुआ है। तुलसी सामने लिखा है घट में सूजित नहीं लान तीन सी जन, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्या होता पर्दा, 80-90 साल की उम्र हो गई, मोतिया बिंद हो गया। डॉक्टर के पास भागता है, दौड़ता है, 4 दिन की जिंदगी के लिए पैसे खर्चता है। जो जुए जू से आंख बनता है उसका किसी ख्याल ही नहीं, कौन सा मोतिया बिंद है, पर्दा होता है ना, वो फाड़ देते हैं। यहां भी अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है, अच्छे हैं क्या बुरे हैं। लाइट है उस पर आप तार डालते जाओ, लाइट बंद हो जाएगी, उठाते जाओ लाइट खुल जाएगी। अगर रेशमी कपड़े डालो फिर बंद हो जाएगी, उठाते जाओ खुल जाएगी। कि अच्छे कर्म है क्या बुरे कर्म है, सब इनका पर्दा पड़े, इनके सबसे परे हो, फिर खुले, फिर देखे। हाँ हाँ जी, ये सिमर करोगे तब ख्याल निकलेंगे। तो बोल भाई है? फिर अमृत दीप्ति है, यहाँ से अमृत भी शुरू होता है। मीरा ने बोल जपो, जपया सब भक्ति का मूल क्या है, इस आंख को खोलना, अंदर सदगुरु को प्रकट करना। मीरा रो मन राम ही राम रटे, कैसे पाया उसने, कैसे नाम रतन पाया, वो धन कैसे पाया, वो कैसे आंख खोली, सांखड़ी गली में सदगुरु मिलिया, किस रूप थी, कैसे सांखड़ी गली में गई। हाँ क्या, हाँ जी, मेरा रो मन राम ही राम रटे, राम जी रटे कोई भागे मान रटे, मेरा रो मन राम ही राम। पाप कटे सिमरन से, हाय हाय, जो सिमरन फकीरों ने बताया उसको, सब के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाए। ग्रंथ साहब ने लिखा है खूब सिमरन करती गई, दुनिया ख्याल कम होते गए, मालिक का ख्याल बसता गया। हाँ हाँ जी, राम नाम जपने देखो कितने, इसको पता नहीं लगता कितने पाप करता है, कितने ख्याल, पैरों के नीचे कितने जानवर आते होंगे, सांस के जरिए कितने जाते हैं, सोचो भाई कितने टकराते हैं, ये रोज के रोज खत्म हो जाएंगे इसमें। और जन्म जन्म खत्म पुरानी, अभी सुनाया था, दर्शक से पूछा गया कि तुंदा क्यों हुआ, उसने बताया कि 106 जन्म पीछे कर्म के उसका बदला आ जाए, मुक्त रहा हूं, फिर ये भी खत्म होने लग जाते हैं। कोटिक पाप कटे, सिमरन नाम के लिए सब काटे, तरमराय के कागर फाटे, इस सिमरन से, जो संतों को बताया हुआ है। हाँ फिर
हाँ, जब ये खत्म हुए हाँ अमृत आ गया, कौन छोड़े उसको, फिर बाहर आने को दिल नहीं करता, फिर आने को दिल नहीं, उसको छोड़ने को दिल नहीं करता, ऐसा अमृत है वो, उसके मुकाबले कोई चीज है ही नहीं लज्जतदार। हाँ क्या हो गया, बैठ जाओ से मिला, कैसे मिला, अगर रटे ही ना, सुन करे ना, फिर कैसे मिले, सोचो। ये काम करना था, ये लाभ उठाना था जिंदगी से, चौरासी तैयार इसके लिए फिर बस। हाँ हाँ क्या, अच्छा वहां से आ जा भाई, हाँ हाँ जी बोल, हाँ ना फिर जुर्माना लाओ हाँ जी हाँ चलो भाई जल्दी कर, फिर असि देर होगी हूं। बोल आज इन लेट चलो रात जिंदा प्रेमिया शू आज के बीनती है कि मैं आप बीती बात आपके सामने रख रहे हूँ, कोई दरबार में खड़े हो गए झूठ बोले वो दिन मालिक कभी नहीं बख्शे वो अभी 3-4 महीना की सावन के महीने की बात है, गुनागार वो गांव बीज भाई लो तहसील पदमपुर गंगानगर के पास है और गंडेली ने लड़का पढ़ाते रहो अब रिटायर हो गयो, गांव गए मारे पड़ोस में गुजारा गो घर है गणेश आराम गुजारा दींगी माँ, मतलब दींगी माँ नहीं गलती कह रहा, दींगे लड़के नाम हरिराम है, हरिराम की माँ वहा दंडन सतगुरु तेरा आसरा, दंडन सतगुरु तेरा आसरा और दम रटे और वह मारा ताई लागे, मैं बांगे घरे मिलन चलो गयो तो मेरा ताऊ बोलो मास्टर उन पर प्रकाश है तू बड़ो मौका को आयो है तेरी ताई को दिमाग खराब हो गया मतलब बड़ी हैरानगी हुई, मैं कहो भाई ताऊ जी के बात है कर भैया आग पैर क्यों चढ़ गई नंदन सतगुरु तेरा आसरा और सारे दिन आई जाते नाम है हरा के पकड़ी है मैं ताई ने कहो ताई इन्ना ताऊ के है ताई बोली रचा के बताऊ आ मन बड़ो परेशान कर रखे है मैं नाम लिया ही सारा दारू पीनिया और मन नाम को नहीं जपन देना मैं तो वही ताऊ जी आके बात है भाई बातो बात अच्छी बोनी जब ताऊ जी कह यार ओ के नाम है भाई नाम है के मैं कहो भाई ताऊ जी ध्यान सुनो और प्रेमियों आप सुनी निवेदन है तो मैं आपने बताऊ के दंडन सतगुरु का कैसा मतलब है दंडन सतगुरु का अनेक मतलब है
तो आप अपनी बागड़ी बोली नहीं देखा तभी दंडन सचिव यानी नाम को निरो दंडी दंड है जपांगा तो इन बोलो दंडो है ही नहीं कभी मोटो अपने जाचू मतलब तो ओए है कभी दंडी दंड नाम का बड़ो दंड। एक बात पाऊ जी ने समझाई आपने प्रेमिया ने भी समझाऊ के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जिके शू आपा नाम रिश्तो लेवा यानी सतगुरु एक अंदर वो है एक बार वो है बार वे सतगुरु आपा ने अंदर आवे सतगुरु शू जान पहचान करावे जब भी आपनो बेड़ो पार होवे और नाम रिश्तो मास्टर ट्रेनिंग लेड़ी हुए तो भी ने गवर्नमेंट पढ़ाने को हक देवे डॉक्टर ने सरकारी ट्रेनिंग करनी पड़े तो संता मिया ट्रेनिंग कर दे रही हुए नाम तो मैं भी बता सकूं थे भी बता सको लेकिन भी नाम की शक्ति को नहीं मने नाम की शक्ति जिसके ट्रेनिंग कर दे रही है संता ने मास्टर वो नाम की शक्ति बने मांगे नाम से वो करते अंदर पैदा करे मैं ताऊ जी ने कहो ताऊ जी बार आया सतगुरु को नाम और तन मन शिवा रटे ए वास्ते इंगा पाप कटे इंगा मोह माया हटे तू ही लाइन छुई ने खराब ना कर। मैं ताई ने पूछो भाई ताई तेरा के ध्यान में ताई बोली गई बेटा मैं तो मेरा तन मन धन सतगुरु अर्पण कर दियो तो चाहे भीमनी आप श्री ने लड़ो चाहे पाड़ियो चूम जे चाहे भाई मेरे मन में कोई परवाह नहीं बस मेरा तो दंडन सतगुरु दंडन सतगुरु ताऊ को ताऊ बोलियो बोलियो मास्टर बात सुने आ कितनी पागल बात करे भाई तन तो ही वठे अपने नाम लेने के बाद में आ गई कोई जब तन घटू दे दियो मन तन के अंदर ही है और गंद मार कर पड़ी है तो आज के दे दियो तू समझा अन दियो के है तू समझा मैं तो वही देखो ताऊ जी बात है और एक विचार बनाना हुए काया के अंदर बार बार अबालना लानी हुए के भाई हे सतगुरु और तन भी तेरे अर्पण है मेरो मन भी तेरे अर्पण है और धन भी तेरे अर्पण है अभावना लाने से मन में अहंकार को नहीं आवे और अहंकार ही नाश की जड़ है ए वास्ते साहू जी आताई बिल्कुल ठीक हुए। अब प्रेमी आखिरी बात सुनने की है के तीसरे दिन यानी मैं सावन में गयो बड़ी भारी बरसात अब का बरसात करीब करीब सभी जगह अच्छी हुई तो रात ने मारे ताऊ गए गए आको मचायो रहा बूढ़ी दबगी रहा दुराजो फड़ गयो रहा भजो तो बड़ी तकड़ी बारिश हो लाग रही ने सारा बैठे गया दुराजो पुरानो हो सारो सारो दुराजो बैठ गयो तो मारा पड़ोसी कहने लगा इतनी मूसलधार बारिश होने ला रही है और बचने वो खानो कौन तो क्यों माने परेशान करो इन्हें पड़ी रहने दो दिन ही काटांगा तो अभी मैं काटी कोनी में संगत में खड़े हो गए झूठने को बोलिया मर तो गई और उपरिया बारिश होने ला रही है अब यहाँ ही देखो कोनी नहीं वो मन तो कटे सी है तो कटे काटा सवेरे 6 बजे बारिश थमी बांगे अंदर सागर नैनी हो मारा पड़ोसिया ने मूली ताई ने ये माटी हटा ले काटन ला गया सागर 6 साल की पोती हो सी प्रेमियो मानने की बात है भूल गया पोती है फूल की छड़ी कोनी आई ते बिल्कुल सतरा मान में पूछ में मानची भूल लेगी और मैं दुराजो पड़ेगी दो कड़ी चाली एक कड़ी तो सिराने खड़ी होगी एक पकाने और बूढ़ी बिचारे पोती सुने नींद में सुती पड़ी वो हाथ पकड़ के उठायो और मैं हाथ पकड़ने का गंदम सतगुरु सारा गांव का हैरान रह गया बोलो वाकई में वो सतगुरु सच है वो सतगुरु सच है इनकी सहायता करी है नहीं तो मेरे को भैया मरे नहीं छोड़ के समझ गए मेरे को आगन खड़ी
मैं ज्यादा की न कह गए हाथ जोड़ के विनती आ करूँ। देखो एक एक बात और कहूँगा के परनी कहने के संगति छोटी और मन्ने बोले यार परनी मास्टर तू तो मस्ताने जी वो नाम कृष्ण लेड़ है मन्ने जे साथ का चक्कर किया काट तू फिर जगमान लाड़ी किए भाजो फिर क्या क्या हो गया जी वो परिणी का लाग रहा के तू तो मस्ताने जी वो नाम रिश्तो लियेड़ो है तो तू जगमाल आड़ी किया भाजो फिर है और मैनेजर साहब का चक्कर क्यों पता है तो परिणी अभी सुनने की बात है। मैं भी न कहो देख भाई मैं 58 में नाम लियो और 59 में मस्ताना जी चोरो छोड़ दियो भाई मैं ना तो बाहू सोबत कर सको ना बांगा दर्शन कर सको नाम वासु जरूर लियो लेकिन मां दिना में की जवानी आ धक्का लगा के भी नाम ने भूल मतलब याद तो आप जब क्यों बोले तुम्हें भी प्रेमी ने समझायो भाई कोई आदमी बीमार हो जावे तो पहली वो छोटे मोटे डॉक्टर की दवाई लेके फिर बड़े डॉक्टर कने जावे वो तो मैं बड़े डॉक्टर कने मस्ताने जी कने पूछ तो गयो लेकिन मारी दवाई ना खाई कोई मैं ठीक किया जाऊंगा तो अब मैं मौके वाली का मैनेजर साहब मेरे दिमाग में जिती अभी ए परम संत है आगे सारे लागने छू आगे कृपा दृष्टि होने छू आगे सोबत में बैठने छू आगे संगत में जाने छू और मेरी बीमारी कट सके मैंने प्रेमी ने समझायो भाई ऐ तरह छू मैं अब मांगे बचना पर चाल कर गए मेरी बीमारी बहुत कुछ ठीक है अगर सतगुरु ठीक करेगो तो दादा की ने कह गए मैं आकू का जी का नाम रिश्तो ले लियो मैं तो कुछ मैनेजर साहब जी के बचना पर पूरा यकीन करके तन मन रटो सारा पाप जरूर कटेगा जरूर कटेगा आगे में तो तर्क जरूर हटेगा और जी का मैं नाम रिश्तो नहीं लिए गए नाम रिश्तो ले गए आपकी जिंदगी में सफल मनावा दन दन सतगुरु तेरा खोल खड़े क्या चल बोल दो मानो लोग कहने की खमी अपने आप दे लाल छड़े ने बिल्कुल थोड़ा ही है अच्छा जिस तरह